भी चाहते हैं कि 14 साल के वनवास में भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण के चरण जिन जिन स्थलों पर पड़े वहां जाकर आप दर्शन कर सकें। केंद्र सरकार की एक नई फ्लैगशिप इनिशिएटिव है स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत एक ट्रेन शुरू की गई है, जिस ट्रेन के जरिए 18 दिन की इस जर्नी पर आप उन सभी स्थलों पर जाकर दर्शन कर पाएंगे जहां जहां पर भगवान राम के चरण पड़े हैं। इसे रामायण सर्किट कहा जा रहा है और इस ट्रेन को आज ही फ्लैग ऑफ किया गया है। इस भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की ओर जब आप देखेंगे तो इस ट्रेन की शक्ल भी इस तरीके से बनाई गई है, इसका इंटीरियर भी इस तरीके से रखा गया है जिसमें रामायण की जो पिक्चर्स हैं वो आपको ट्रेन के अंदर नजर आएंगी। और इसी के जरिए ये जर्नी जो न्यू दिल्ली से शुरू होकर नेपाल जाकर खत्म होगी, इसमें देश के अलग अलग भागों को कवर किया गया है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अलग अलग स्टेट से होकर ये ट्रेन गुजरेगी और आपको उन सभी पवित्र स्थलों पर ले जाएगी जिसे रामायण सर्किट के अंदर कवर किया गया है। इसकी डिटेल्स आपको दे दें कि 8000 किलोमीटर का फासला तय करेगी ये ट्रेन और इस 8000 किलोमीटर के फासले में जो रामायण सर्किट बनाया गया है उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों को कवर किया गया है। ऐसे में वो मेजर सिटीज़ जिन्हें कवर किया गया है इन स्टेट्स में, उसमें अयोध्या है, जनकपुर है, बक्सर है, काशी है, सीतामढ़ी है, चित्रकूट, प्रयागराज, हम्पी, नासिक, कांचीपुरम, रामेश्वरम और भद्रचलम, इन सभी सिटीज से होकर ये ट्रेन गुजरेगी और इन सिटीज में भी जो जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं, जो जो पवित्र स्थल हैं वहाँ पर दर्शन भी जो टूरिस्ट जाएंगे, जो पिलग्रिम्स जाएंगे उन्हें करने का मौका मिलेगा। ये कहा गया कि इटिनरेरी में जो राम जानकी मंदिर है नेपाल में, जो काफ़ी फेमस मंदिर है, वहाँ जाने का मौका भी आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि इस रामायण यात्रा की टिकट का प्राइस क्या होगा। टिकट का प्राइस होगा केवल 71,820 रुपये सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए, डबल ऑक्यूपेंसी के लिए 62,370 रुपये, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के लिए भी 62,370 रुपये। और अगर आपके साथ 5 से 11 वर्ष का कोई बच्चा भी ट्रैवल कर रहा है तो आपको टिकट का प्राइस 56,700 रुपीस पड़ेगा। इसके साथ साथ में ये ट्रेन हालांकि शुरू जो है वो दिल्ली से होगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप अलीगढ़ से, कानपुर से, तुंडला से या लखनऊ से ट्रेन को बोर्ड करना चाहते हैं तो वहां पर ट्रेन बोर्ड करने की इजाज़त आपको मिलेगी, लेकिन टिकट का प्राइस जो है वो चेंज नहीं होगा। इस टूर प्लान में, इस पूरे 18 दिन की यात्रा में आपको 18 के 18 दिन ट्रेन में गुजारने होंगे और उस ट्रेन में आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा, जिसमें खाना जो है वो ट्रिप में इंक्लूडेड है, अकोमोडेशन इंक्लूडेड है, गाइड सर्विस जिन जिन जगहों पर आप जाएंगे वो भी इंक्लूडेड है और फुली एयर कंडीशनड ये ट्रेन होगी, जिसमें 14 कोचेज़ हैं, जिसमें 11 थर्ड एसी कोचेज़ हैं, एक पैंट्री कार है और 2 स्लीपर कार्स भी हैं। पूरी ट्रेन में आपको वेजिटेरियन खाना जो है वो सर्व किया जाएगा और इस ट्रेन की कैपेसिटी 600 लोगों की बताई जा रही है। लेकिन इसके साथ ही में IRCTC ने पेटीएम के साथ और रेजर पे के साथ टाइप भी किया है ताकि अगर कोई यात्री यात्रा पर जाना चाहता है लेकिन एक साथ इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो 71,000 रुपये टिकट के लिए खर्चे, तो ईजी EMI ऑप्शंस भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ में ये भी कहा गया है कि 5% का अर्ली बर्ड डिस्काउंट पहले 50% पैसेंजर्स को मिलेगा, यानी कि अगर 600 लोगों की कैपेसिटी है ट्रेन की और 300 जो पहले 300 लोग बुक करेंगे टिकट को उन्हें ये 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके साथ साथ में जो भारत गौरव ट्रेन है इसके बारे में बताया जा रहा है कि देखो अपना देश इनिशिएटिव के तहत, जिसमें केंद्र सरकार की एक कोशिश है कि देश भर में जो लोग हैं वो अपने देश में अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करें जिससे डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ेगा, इसके तहत ये भारत गौरव ट्रेन शुरू की गई है, जिस भारत गौरव ट्रेन में को आज फ्लैग ऑफ किया है टूरिज्म के मंत्री ने और रेलवे के मंत्री ने। उन्होंने बताया कि ये जो यूनिक कॉन्सेप्ट है भारत गौरव ट्रेन का, इससे टूरिज्म प्रमोट होगा देश भर में और वो सभी श्रद्धालु जो रामायण सर्किट पर ट्रैवल करना चाहते हैं, उन सभी स्थलों को के दर्शन करना चाहते हैं जहाँ जहाँ भगवान राम के पवित्र चरण पड़े हैं, उन्हें मौका मिलेगा कि उन स्थलों पर जा सकेंगे। IRCTC वो पहली भारतीय एजेंसी होगी जो दो देशों को एक टूरिस्ट ट्रेन के जरिए कनेक्ट करेगी। इसमें दो देश हैं, एक भारत और एक नेपाल। इसके साथ साथ में आज जब इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया गया तो रेलवे के मंत्री अश्विनी वैष्णव और टूरिज्म के मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस ट्रेन को सफदरगंज स्टेशन से रवाना किया।